नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे शालिनी बुटीक चैनल में स्वागत है। आज हम 40 श्रेष्ठ बोटनेक डिजाइन ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे आपको, जिसमें आगे का पार्ट हम ओपन रखेंगे और आगे का गला डीप रखेंगे और पीछे के गले में हम बोटनेक डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 1 मीटर अस्तर का कपड़ा ले रखा है। अब सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की हमारी तैयार लंबाई 16 इंच है। हम उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे, जो हमारा आधा इंच नीचे फोल्ड के लिए हो जाएगा और आधा इंच सिलाई के लिए ऊपर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। ये निशान हम 17 इंच पे लगाएंगे और हम आगे और पीछे के पार्ट दोनों एक साथ कट कर रहे हैं, तो हम आगे के पार्ट की भी लंबाई आगे आपको बताएँगे कैसे लेनी है। सबसे पहले हम पीछे के पार्ट की लंबाई लेंगे। हमने 17 इंच ले रखी है लंबाई और ऐसे कपड़े को हमें फोल्ड करना है। कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हमें 4 फोल्ड में रखना है। बंद वाली साइड अपने साइड रखनी है और ओपन वाली साइड दूसरी साइड रखनी है। अब सबसे पहले हमने पीछे के पार्ट की लंबाई ले ली है। 16 इंच हमारी तैयार नाप थी, 1 इंच ऐड करके हमने 17 इंच इसकी लंबाई ले ली है। अब इसके बाद हम इसकी चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई हम चेस्ट के हिसाब से लेते हैं। चेस्ट हमारा 40 इंच का है तो उसका चौथाई भाग लेंगे हम। चौथाई भाग 40 इंच का 10 इंच होगा और 10 इंच में 2 इंच हम प्लस मार्जिन का ऐड करेंगे। तो पहले एक निशान हम 10 इंच पे लगाएंगे, फिर 2 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब हम आगे के पार्ट की लंबाई लेंगे। आगे के पार्ट की लंबाई हमें पीछे वाले पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है। पीछे का पार्ट हमारा 17 इंच का था तो हम इसमें 2 इंच और ऐड कर देंगे तो ये हमारा 19 इंच हो जाएगा। तो ये हमारे आगे के पार्ट की लंबाई हो जाएगी। 19 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, ऊपर से इंची टेप रखेंगे और 19 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। हम बोटनेक बना रहे हैं इसलिए हम गले की चौड़ाई का निशान ज़्यादा रखेंगे। नॉर्मल गले में हम गले की चौड़ाई 2 इंच 2.5 इंच रखते हैं और इसमें हम गले की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और टोटल शोल्डर हमारा 7.5 इंच का होगा, जिसमें 4 इंच गला होगा और बाकी का हमारा शोल्डर होगा। अब हम इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान हमें 7 इंच पे लगाना है। इस तरह हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और लाइन सीधी खींच लेंगे। नीचे भी लाइन सीधी खींच के एक ब्लॉक बना लेंगे। इसके बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि हम ये बोटनेक डिजाइन बना रहे हैं, इसलिए हमें इसे 1.25 इंच अंदर की साइड और रखना है, जिससे हमारे आगे की गले की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ऐसे हम पहले 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे, फिर ऊपर से इसे तिरछा मिला देंगे और नीचे भी लाइन सीधी कर लेंगे। इसके बाद हम आगे और पीछे के पार्ट एक साथ कट कर रहे हैं तो इसकी गुलाई हम 1.25 इंच में देंगे। 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और इसमें गुलाई दे देंगे। आगे के पार्ट की गुलाई हम बाद में देंगे। ऐसे हमने गुलाई दे दी। अब 2 इंच का हम मार्जिन का निशान लगा देंगे। पहले यहाँ से हमारा मार्जिन का है और आधा इंच इसे हम डाउन करेंगे आर्म होल की तरफ और इसे ऐसे मिला देंगे। नॉर्मल गले में हमें गले की तरफ डाउन करना पड़ता है और बोटनेक पे हमें आर्म होल की तरफ आधा इंच डाउन करना पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा आर्म होल सही आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें जहाँ से हमने मार्जिन का निशान लगा रखा है वहीं से इंची टेप को रखेंगे और ऐसे गोल गोल घुमाते हुए चेक करेंगे कितना आर्म होल आ रहा है। हमें 40 चेस्ट में 17 के बीच में आर्म होल आना चाहिए। यह हमारा 9 इंच आ रहा है, इसमें आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो हमारा 8.5 इंच बचेगा, यानी कि हमारा 17 इंच आर्म होल तैयार होगा। अब इसके बाद इस तरह एक हम सीधी लाइन खींचेंगे और ये फिटिंग वाली भी लाइन ऐसे मिला देंगे। इसे हमें नीचे भी मिला देना है जहाँ से हमने ये आगे के पार्ट की लंबाई ली थी, और इसी तरह हम नीचे वाले निशान को भी सीधा मिला देंगे ऐसे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। चौड़ाई हमने गले की 4 इंच ले रखी है और बोटनेक में हम पहले एक छोटा गला बनाते हैं, तो उसके लिए हमने 4 इंच लंबाई भी ले रखी है और एक ऐसे ब्लॉक बना देंगे। टोटल लंबाई हमारी
9.5 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा बना सकते हैं गला, जैसी आपको पसंद हो। आप छोटा भी रख सकते हैं और बड़ा रख सकते हैं। और अब ऐसे एक सीधी लाइन खींच के इसका ब्लॉक बना देंगे। अब छोटे वाले गले में हमें सबसे पहले गुलाई देनी है, तो 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और उसमें गुलाई देंगे। ऐसे गुलाई दे दिए। उसके बाद हम नीचे वाले गले में भी अपने अनुसार जैसा हमें शेप अच्छा लगता है वैसे हम निशान लगाएंगे। इस तरह हम इसमें निशान लगा लेंगे, लेकिन इसे हम अभी कट नहीं करेंगे। हम इसे बकरम में तैयार करके बनाएंगे, तो हम गले की कटिंग अभी नहीं करेंगे, लेकिन बाकी का हम जो हमने निशान लगाए हैं वो हम कट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसके बाद ऊपर से कट करके दोनों पार्ट अलग अलग कर देंगे, ऊपर का जॉइंट खोल देंगे। ऐसे हमने इसे यहाँ से कट कर दिया। और इसके बाद हमने जो 1/2 इंच आर्म होल की तरफ डाउन किया था उसे भी कट करेंगे। यहाँ से हमने ऐसे ऐसे जो 1/2 इंच डाउन किया था उसे भी कट कर देंगे। अब दोनों पार्ट अलग अलग कर देंगे। पीछे का पार्ट हमारा तैयार है। अभी हमें आगे के पार्ट में गले की कटिंग और आर्म होल की तरफ गहराई देनी है। तो फिर से हम ऐसे कपड़े को रखेंगे 2 फोल्ड में, और सबसे पहले आर्म होल की तरफ हम गहराई देंगे। ये गहराई हम 1/2 इंच यानी कि 1 इंच में 2 पॉइंट कम में देनी है। तो ऐसे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम ऐसे इसमें गहराई दे देंगे। अब इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हमने 4 इंच ले रखी है। 4 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे, और फिर इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। ये हमारा बनके 5.5 इंच का तैयार होगा। हम इसमें ज़्यादा डीप नेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने इसे 5.5 इंच का तैयार करना है। इसके बाद हम इसमें गुलाई दे देंगे। ये इसकी गुलाई हमें 1.5 इंच में देनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और इस तरह इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो आर्म होल की तरफ कपड़ा था गहराई दी थी उसे भी हम कट करके निकाल देंगे ऐसे। अब हम आगे के पार्ट में प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। इंच टेप को हमें गले के कोने से रखना है और 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ऐसे हमने एक 10.5 इंच पे निशान लगा दिया, और ऐसे जो निशान लगाया उससे 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन नीचे खींच देंगे। अब हम ये सारे प्लेट के निशान 2.5-2 इंच के दूरी पे लगाना है। 2.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे और लाइन खींच देंगे। और इधर भी हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। एक निशान ये भी 2.5 इंच का लगाएंगे, और इस इन सभी निशानों को हम मिला देंगे। इस तरह ये हम आगे के पार्ट में प्लेट के लिए निशान हमने लगा लिए हैं। अब हम पीछे के पार्ट में प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। पीछे के पार्ट में हम 4.5 इंच में निशान लगाएंगे। बंद वाली साइड से इंची टेप रखेंगे और 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और लंबाई में 6 इंच का निशान लगा के प्लेट के लिए निशान लगा लेंगे। और दूसरी साइड भी ऐसे ही निशान लगा के तैयार कर लेंगे। इस तरह हमारा आगे और पीछे के पार्ट तैयार हो गए। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। जो हमारा अस्तर का कपड़ा बचा हुआ था उसे हम पहले 2 फोल्ड में रखेंगे। अब कपड़े को हम 4 फोल्ड में रखेंगे। ऐसे हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा। बंद वाली साइड अपनी साइड रखनी है और ओपन वाली दूसरी साइड रखनी है। अब हम आस्तीन की चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई हमें 10 इंच लेनी है।
अब आस्तीन की लंबाई लेंगे। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी रख सकते हैं। हम आस्तीन की लंबाई 9.5 इंच तैयार रखनी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 10.5 इंच। दूसरी साइड भी 10.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब आस्तीन की मोहरी के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे प्लस 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। उसके बाद हमें दूसरी साइड 3 इंच डाउन रखना है, तो ऊपर हमने 10.5 इंच ले रखा है, तो नीचे की साइड हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ओपन साइड में हमें 7.5 इंच का निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हम इधर भी ऐसे निशान मिला देंगे। इसके बाद बाहर से हल्का सा गुलाई देते हुए आस्तीन की शेप के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमें बाहर की साइड रखना है, फिर थोड़ा थोड़ा अंदर करते हुए इस तरह निशान लगाना है। और इस तरह हमने आस्तीन के लिए निशान लगा लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। आगे के पार्ट की गहराई हम बाद में देंगे। इस तरह हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह हमारी ये आस्तीन कट के तैयार है। अब हम आगे के पार्ट में गहराई देंगे। आगे के पार्ट में हम 1/2 इंच की गहराई देते हैं, तो 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और उसमें इस तरह शेप देते हुए निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा काट के अलग कर देंगे। आगे के पार्ट में हम F लिख देंगे, जिससे कोई गलती नहीं होगी, पता चलेगा हमें कि ये आगे का पार्ट है। और इस तरह हमने अपने ब्लाउज की और आस्तीन की कटिंग करके तैयार कर ली है। इसकी स्टिचिंग मैंने नेक्स्ट पार्ट में बताई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगी आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।